Now, after revision of whole chapter, let's solve exercise E, match the column. Jacquard loom. Jacquard loom कौन थे? पहले तो हम questions देखते थे. Jacquard loom, analytical engine, Z3, Harvard Mark I and Univac. और उसके answers क्या है? Fully automatic computing machine, Harvard and IBM, punch wooden cards, manufactured in USA and mechanical digital computer. अभी मैंने अभी सिखाया आपको कि Jacquard loom क्या था? Punch wooden cards. Jacquard loom में punch wooden cards के use होता है. फिर analytical engine. वो क्या है? Mechanical digital computer. फिर Z3. वो क्या है? Fully automatic computing device. फिर हार्वर्ड मार्क वन वो क्या था? हार्वर्ड एंड आईबीएम ने कंबाइन करके बनाया था. यूनिवेक वो क्या है? मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए. ठीक है, ये सारे आंसर्स है. अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट अ नोट ऑन एबकस. ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप नहीं लिख पाओगे, तो आपको एक कंप्यूटर की जो नोटबुक बनाई है उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ. ठीक है, राइट अ नोट ऑन एबकस. तो ये रहा आंसर. एबकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन 3000 BCE इन चाइना to count large numbers. It consisted of a wooden frame holding several wooden or metallic rods. A number was entered by changing the position of the bead strungs on them. Abacus was used to perform simple calculations like addition, subtraction, multiplication and division. Okay? ये मैंने कहीं से भी ऐसे ही नहीं लिखा है. मैं ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है. देखो, ये है एबकस. तो ये जो मैंने यहाँ से यहाँ किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. ठीक है, फिर है क्वेश्चन 2. राइट अ नोट ऑन नेपियर्स बोन. तो उसमें क्या लिखना है? इन 1616 जॉन नेपियर invented Napier's bones. This calculating device is a set of rectangular rods marked with numbers. It was designed to perform simple calculations like addition, subtraction, multiplication and division. It was improved later to find the square roots of numbers. ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. फिर आगे कौन सा क्वेश्चन है? राइट अबाउट एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स. अभी आपको याद है कि स्क्वायर रूट्स कौन फाइंड करता था? लेबनीज कैलकुलेटर. लेबनीज कैलकुलेटर है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस बहुत सारे हैं, लेकिन स्क्वायर रूट सिर्फ लेबनीज कैलकुलेटर फाइंड करता है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर. क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. राइट अबाउट एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स. तो उसका आंसर क्या है? जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलहेम वॉन लेबनीज बिल्ड अ कैलकुलेटर कॉल्ड लेबनीज कैलकुलेटर इन 1671. अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इट कुड एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स. इट कुड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स. इट कंसिस्टेड ऑफ स्टेप ड्रम कॉल्ड लेबनीज विल. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर. आगे क्या है? क्वेश्चन 4. How was Harvard Mark I
डिफरेंट फ्रॉम यूनिवेक एंड एनीवेक। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या आएगा? हार्वर्ड मार्क वन वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, बट इट वॉज नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दैट्स हाउ इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनियाक एंड यूनिवेक। क्यों? क्योंकि एनियाक एंड यूनिवेक वॉज फुल्ली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स, वेल हार्वर्ड मार्क वन इज नॉट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ नोट ऑन द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अभी वो क्या था? फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एबीसी। यहाँ पे देखो, द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आंसर लिखा हुआ ही है क्वेश्चन 5 का आंसर। ये है क्वेश्चन 4 का आंसर और ये है क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जॉन वी एटनासोफ एंड क्लिफोर्ड ई बेरी डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। इट कंसिस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस। It was called Atanasoff Berry's computer ABC. It used a binary number system like a modern computer. Okay, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।